दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें ये दिखाया गया है कि छत की वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं। आज मैं सब कुछ बता दूंगा आपको कि वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो में पहली बार आया हूँ, चैनल पर पहली बार आया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वाटरप्रूफिंग के केवल मैं वीडियो डालता हूँ जिससे आप समझ सकें और वाटरप्रूफिंग को जान सकें। ये जो छत है एक तरफ से ब्रिट बैट कोबा है, यानी कि छत के ऊपर ईंट की टुकड़ी लगाई गई है। कई बार क्या होता था कि पुराने टाइम में जब छत के लिंटर हो जाता था तो उस पर क्या किया जाता था कि ईंट को बिछा दिया जाता था। इससे ये बेनिफिट होता था कि छत कूल रहता था और छत की मजबूती बढ़ती थी। लेकिन समय के साथ जब पुराना हो जाता है तो यही जो ब्रिक के जहाँ जहाँ ज्वाइंट होते हैं पूरे छत पे, वहाँ से पूरा पानी अंदर जाने लगता है और सिलन सीपेज पैदा करता है, जिससे आपका पूरा घर ख़राब हो जाता है। इंटीरियर वगैरह का जो काम चलता है, पेंट पीपी वगैरह सब खराब होकर गिरने लगते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए वाटरप्रूफिंग किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि पूरे छत को क्लीन कर लिया जाएगा। जाहिर से बात है कि आपके छत के ऊपर क्रेक होता है, सीलन सीपेज होता है, तो आप सीमेंट का वगैरह उस पर लेप लगा देते हो जिससे वो पपड़ी बन के निकलने लगता है और पूरा एक तरह से छत डैम्प हो जाता है, यानी कि सूखता भरा हो जाता है, पानी सूखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वो सबको ठीक से क्लियर कर लेने के बाद, ठीक से क्लीन कर लेने के बाद वाटरप्रूफिंग का काम किया जा रहा है। क्लीन हो जाने के बाद पूरा प्राइमर लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हर जगह प्राइमर लगाया जा रहा है। ये पॉलीमर है, पॉलीमर का जो कंसिस्टेंसी है उसको पतला करके और पूरे छत पर लगा दिया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर पेस्ट लगेगा, जो पेस्ट होता है 2 से 3 कोट किया जाएगा। टोटल सीमेंटेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी कि पॉलीमर में सीमेंट को मिक्स करके पूरे छत पर लगाया जाएगा, उसको सीमेंटेशन ट्रीटमेंट बोला जाता है। सीमेंटेशन ट्रीटमेंट 3 से 4 कोटिंग की होती है। उसके बाद इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इलास्टोमेरिक में होता यह है कि उसमें लिक्विड रबर ग्लास फाइबर के साथ में लगाया जाता है। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आज आपको मैं दिखा दूंगा। तो जब भी आप काम कराइए अपने छत पर, टोटल दोनों कोट कराइए, सीमेंटेशन ट्रीटमेंट भी कराइए और इलास्टोमेरिक भी कराइए। अगर दोनों कराएंगे तो टोटल मिला के 7 लेयर होता है और इसका सेल्फ लाइफ 20 साल के ऊपर तक होता है और 5 साल की कंपनी वारंटी देती है। टोटल पेस्ट लग चुका है, सूख गया है। पेस्ट सूखने के बाद यानी कि सीमेंटेशन ट्रीटमेंट अब पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। उसके बाद आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये लिक्विड रबर है। इसका प्राइमर पूरे छत पर लगाया जा रहा है। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद ग्लास फाइबर लिक्विड रबर से लगाया जाएगा। ये बेहतरीन तरीका है वाटरप्रूफिंग करने का। कई लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 कोट करा देते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है, छोटी बड़ी कंपनियां आपके बजट के अनुसार आपको कर देती है काम, लेकिन देखिए ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अगर प्रॉपर वाटरप्रूफिंग करा लेंगे तो इसका सेल्फ लाइफ बहुत दिन तक होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मांग चलिए कि 20 साल के ऊपर तक होता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट 7 कोटिंग कराते हैं। तो लिक्विड रबर के प्राइमर लगना शुरू हो गया है। ये इलास्टोमेरिक का फर्स्ट कोटिंग हो रही है, यानी कि 3 से 4 कोटिंग सीमेंटेशन हो गया। उसके बाद 5वें कोटिंग में लिक्विड रबर के प्राइमर चल रहा है। इसके बाद क्या होगा कि इस ग्लास फाइबर को लिक्विड रबर से लगाया जाएगा। वीडियो में बने रहिए, वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे लगाया जाता है, ग्लास फाइबर को लगाने का फ़ायदा क्या होता है। तो ऐसे ही अपने छत पे आपको काम कराना है। जो कंपनी की सर्विस है पूरे इंडिया में अवेलेबल है, पूरी दिल्ली में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और चाहे तो अपने घर के भी वाटरप्रूफिंग करा सकते हैं। हमारी टीम जो है पूरे इंडिया में वर्क कर रही है। कंपनी का रेपुटेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, इतने मार्केट में डिमांड हो चुकी है कि हमारे पास मैन पावर भी कम पड़ने लगी है। कई कुछ लोगों का तो वेटिंग में है, वेटिंग में उनको नंबर दे दिया जाता है कि आप इतने डेट से आपका काम लगेगा। कहीं ना कहीं काम अच्छा है तो भी लोग करा रहे हैं और एक जो है माउथ पब्लिक टू पब्लिक जो है हमारा नाम भी होता चला जा रहा है। तो इसको जो है 7 कोटिंग कराना है। आप कई बार क्या करते होंगे कि केमिकल दुकान से लाते होंगे या छोटे मोटे कारीगर या मिस्त्री वगैरह से करा लेते होंगे, लेकिन वाटरप्रूफिंग नहीं चलता है, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। इसके आपको बेनिफिट मिलता नहीं और आपका पैसा भी नुकसान हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वाटरप्रूफिंग तभी सक्सेस होगा जब एक रिप्यूटेटेड या जो एक्सपीरियंस वाला कारीगर, कुशल कारीगर काम करता है। ऐसे अगर कोई काम करेगा तो किसी को ये नहीं मालूम होता है कि इसका रेशियो सीमेंट पॉलीमर या वाटर या लिक्विड रबर या फाइबर में कैसे लगाया जाए। जैसे तैसे कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं से पंचर बना लेता है और वहाँ से पूरा पानी जाने लगता है। तो एक कुशल कारीगर से ही काम कराएं। 2 से 3 कोट कराएंगे वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जब तक टोटल 7 कोटिंग यहाँ पर होना जाए। तो आपको सीमेंटेशन ट्रीटमेंट दिखा दिया था, आप देखिए ये प्राइमर लगने के बाद ग्लास फाइबर लिक्विड रबर से लगाया जा रहा है।
ग्लास फाइबर की ये बेनिफिट होता है कि केमिकल की पकड़ को मजबूत रखता है, क्रेक नहीं आता है, और जब क्रेक नहीं आएगा तो केमिकल फटेगा नहीं, वहाँ से हटेगा भी नहीं। अगर ग्लास फाइबर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो केमिकल आप लगाते हैं वो समय के साथ में धुलने लगता है या पपड़ी बन के निकल जाता है। ग्लास फाइबर मस्ट है, वाटर प्रूफिंग मतलब ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर जो होता है ये ग्लास का बना होता है, इसको फाइबर में वाटर प्रूफिंग भी बोलते हैं। तो ये ग्लास का बना होता है, पॉलीमर का बना होता है, जल्दी सड़ता गलता नहीं है और जल्दी से फटता भी नहीं है। आपकी छत को मजबूती को ये डबल कर देता है, दोगुनी कर देता है। तो ऐसा आप अगर आप काम कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके वाटर प्रूफिंग लॉन्ग टाइम तक चलेगी। फाइनल कोटिंग आपको मैं दिखा दूंगा, फाइनल कोटिंग आपके कंडीशन पर निर्भर करती है। अगर छत पर प्लास्टर करना है, टाइल्स लगाना है तो कोटिंग अलग होगी, अगर उसको ऐसे छोड़ देना है तो कोटिंग वहाँ पर अलग की जाएगी। तो ये आपका जो है फाइबर लग जाएगा, इसको ठीक से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल कोटिंग यहाँ पर कर दी जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना सेल नंबर मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप वहां पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और चाहे तो कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अपने घर में वाटर प्रूफिंग कराना हो तो भी करा सकते हैं, आपका घर नया हो या पुराना हो दोनों में करा सकते हैं। नया घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कराना, बाथरूम में, बालकनी में, छत वगैरह पर वाटर प्रूफिंग आप करा दें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका जो पेंट प्लास्टर वगैरह काम हुआ रहेगा वो फूलेगा नहीं, झड़ेगा नहीं और भद्दा नहीं दिखेगा, और आपका घर भी मजबूत बने रहेगा काफ़ी दिन तक, उसकी सेल्फ लाइफ बरकरार रहेगी और एक आपका घर जो है बिल्कुल नया की तरह हमेशा चमकता रहेगा। अगर वाटर प्रूफिंग आप नहीं कराएंगे तो आपको जल्दी रिनोवेशन का काम लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा।